दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी कॉफी एक जानवर के पूप से बनाई जाती है। जी हाँ, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, जहां मैं आपको पूप के ऐसे ऐसे यूजेस बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप सच में शॉक हो जाओ। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर वन, वर्ल्ड वॉर टू के समय जब जर्मन आर्मी ने नॉर्थ अफ्रीका कैप्चर कर लिया था, तब उनके कई सैनिक इंजर्ड हुए थे, तो उन्हें क्योर करने के लिए जर्मन आर्मी क्या करते थे, कैमल्स को फॉलो करते थे और उनका पूप कलेक्ट करते थे और फिर उसे खुद भी खाते थे और उन इंजर्ड सोल्जर्स को भी खिलाते थे। इसके पीछे का रीजन था कैमल के पूप में मिलने वाला बैसिलस सबटिलिस नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया डाइजेशन को क्योर करता है। आयरनी देख रहे हो, अनडाइजेस्टेड वेस्ट डाइजेशन को क्योर करता है और साथ ही जो डिजीज बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी दूर रखता है, तो इसीलिए जर्मन्स कैमल का पूप खाते थे। अब मरने से तो बेहतर ही है। नंबर टू, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में पूप का क्या करते होंगे? पहले एस्ट्रोनॉट्स सिंपली उनका पूप एक बैग में भरकर रख देते थे। कभी कभी तो ऐसे भी होता था कि उनका पूप नीचे गिरते ही हवा में फ्लोट होने लगता था और फिर वो उन्हें पकड़ते बैठते थे। बेचारों को उड़ती हुई पॉटी कैच करनी पड़ रही है और आप कहते हो आई हेट माय जॉब। अब मॉडर्न स्पेस टॉयलेट्स पहले से बहुत सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन फिर भी वो यही करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के कुछ साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया था कि क्यों ना ये वेस्ट प्रोडक्ट कुछ यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट करें। तो फिर तब उन्हें आइडिया आया कि अगर वो ये वेस्ट प्रोडक्ट फ्यूल में कन्वर्ट करें तो उससे बहुत ज्यादा पावर जनरेट हो सकती है। यानी देखो, हर एक एस्ट्रोनॉट पर डे में जितना भी पूप करता है उतने वेस्ट को मिलाकर 290 लीटर का मीथेन तो बन ही सकता है, और इतना फ्यूल तो वो रॉकेट स्पेस पर से अर्थ पर लाने के लिए इनफ है। तो ये था दूसरा यूज जिससे ह्यूमन पूप से रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। देन नंबर थ्री इज कॉफी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दुनिया की सबसे महंगी कॉफी पूप से बनाई जाती है। एशियन पाम सिविट नाम का एक छोटा सा जानवर है जिसे कॉफी चेरीज खाना बहुत पसंद है। तो जब ये जानवर वो चेरीज खाता है तो उन्हें पार्शियली डाइजेस्ट करता है और फिर एक्सक्रीट कर देता है, तो उसका जो पूप है वो थोड़ा बहुत कॉफी बीन्स जैसे ही दिखाई देता है। तो इस पूप को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसे अच्छे से धोकर सुखाया जाता है और फिर ये कॉफी बीन्स हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पर पाउंड बेचा जाता है। ये पूप वाली कॉफी लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि पार्शियल डाइजेशन प्रोसेस में उस कॉफी में वंडरफुल फ्लेवर आता है। किसी महापुरुष ने कहा था कि 2021 में उड़ने वाली कार्स होगी, लेकिन यहाँ तो उड़ने वाली पॉटी है और कॉफी भी पॉटी से ही बनाई जा रही है। भगवान। नंबर फोर, क्या आप पूप से बना पानी पीना चाहोगे? वैसे भी आपको पता भी कैसे चलेगा? दोस्तों, अब पूप से क्लीन वाटर बनाना बस चुटकियों का काम हो गया है। कुछ ऐसे मशीन्स और टेक्निक्स डेवलप हो चुकी है, जैसे कि ओमनी प्रोसेसर, जो कि सूरज को हीट करके वाटर वेपर की मदद से लिक्विड को सेपरेट करता है और फिर उसे ट्रीट करके एकदम क्लीन वाटर में बदल देता है, जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं। और इस बढ़ते पॉपुलेशन में क्लीन वाटर का जुगाड़ करना वैसे भी बहुत मुश्किल है, तो अगर ऐसे प्रोसेसिंग सिस्टम्स आ रहे हैं तो अच्छा ही तो है। ये तो हो गए पूप के यूजेस। क्या आप पूप से बने खाने के बारे में जानना चाहते हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, हम इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।